हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। और आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है, ये क्लास MPPSC के आधार पर क्लास जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, जो समाजशास्त्र के साथ साथ समाजकारी को भी रिलेट कराता है। और मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ UGC नेट का दिसंबर 2013 का समाजकार्य का प्रश्न पत्र है। इन प्रश्न पत्रों पर मैं आज आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि मेरे YouTube चैनल पर UGC नेट, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क, PhD इंट्रेंस सोशल वर्क, MPPSC सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ, वैधकीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसे समाजकार्य अधीक्षक वैधकी यानी मेडिकल सोशल वर्क की जो वैकेंसी महाराष्ट्र में निकाली गई है, उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस समाजकार्य के संबंध में प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आप UGC नेट से संबंधित या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क से संबंधित या आप महाराष्ट्र चिकित्सा समाजकार्य के संबंध में या PhD सोशल वर्क इंट्रेंस के संबंध में MPPSC के संबंध में समाजकार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 1000 में आपको इंग्लिश में या हिंदी में आप लोगों को जो है कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे और क्लासेस की जो फीस रखी गई है वो मात्र 2500 रुपये में आप लोगों की जो है क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। चलिए आगे बातचीत करते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, ये प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये सोशोलॉजी के प्रश्न हैं, परंतु आपको बता दूं कि समाजकार्य में भी ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि विगत वर्षों के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दिसंबर 2013 का सोशोलॉजी का प्रश्न जो कि समाजकारी में भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी या किसने दी है? ये आपका सही जवाब होगा मैक्स वेबर। ध्यान रखिएगा, जब सामाजिक टास्क की व्याख्या की समझ की बात करेगा, सामाजिक कृत्य की व्याख्या की या व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है, तो वो केवल एक ही विद्वान है समाजशास्त्र में, मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर डी आपका करंट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है, संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है या सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दास्ता से युक्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा इस दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करती है? जहां संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक हो और पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान कर रही हो और दास्ता से मुक्त कर रही हो, तो ये कौन से दृष्टिकोण या कौन सी विचारधारा को रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड सही जवाब होगा, संस्कृति व्यक्तित्व का विचारधारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, थर्ड नंबर सवाल, समाजशास्त्रीय कल्पना, बहुत ही इजी सवाल, शब्दावली निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? समाजशास्त्र की जो संकल्पना है, जो सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये किसने बनाया है? इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, CW मिल्स ने समाजशास्त्रीय कल्पना शब्दावली को इन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर फोर है कि निम्नलिखित पुस्तक दिए गए हैं और इस पुस्तक का प्रयोग करते हुए कालक्रम को दर्शाना है। दास कैपिटल आप सबको भली भांति तरीके से पता है और इसका सही जवाब होगा 1867। देखिए, अब यहाँ पर जब आप लोगों को एग्जैक्ट वर्ष पता रहेंगे तब आप कर पाएंगे। बात करते हैं द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्प्रेट कैपिटलिज्म, तो ये किताब सन 1904 में दर्शाई गई थी।
यह किताब अगर हम बात करते हैं तो 1904 में दर्शाई गई, जो बेसिकली मैक्स वेबर का था और ये इकोनॉमिक सोशियोलॉजी पर बेस्ड था। ये बात आप सबको भलीभांति तरीके से पता भी होना चाहिए। मैंने आगे आप लोगों से इनके बारे में बता भी चुका हूँ, नोट भी करवा चुका हूँ। रुथ बेनेडिक्ट की अगर बात करते हैं, पैटर्न ऑफ कल्चर की किताब है ये, रुथ बेनेडिक्ट, जिन्होंने संस्कृति के पैटर्न पर बात किया था, तो 1934 आपका यहाँ का करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। वहीं जब बात हम लोग करते हैं आगे, तो हमारे सामने एक और सवाल आता है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन्स लाइफ, तो आप सबको याद आ रहा होगा इस्माइल दुर्खिम का नाम। इस्माइल दुर्खिम का नाम बहुत फेमस रहा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनसे एकाध प्रश्न तो श्योर है कि एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर बात किया जाए ये किताब कब आई, तो सन 1912 में आई थी। अब कालक्रम के अनुसार आप अगर लगाते हैं तो देख सकते हैं कि सबसे पहले 1867 है, फिर उसके बाद 1904 है, फिर 1912 है, यानी आपका पहला, फिर दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा है, फिर उसके बाद 1934 है, यानी चौथा है। तो एक दो तीन, सॉरी, यहाँ पर तो 1912 तो चार हो जाएगा, पहले चार हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका थर्ड होगा, है ना। ये आपको क्रम दर्शाना है और देख सकते हैं ऑप्शन में एक दो। देखिए, ये प्रश्न पर अगर मैं बताऊं तो सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन ही यहाँ पर मैच नहीं किया गया है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को यहाँ पर कॉमन नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो, ठीक है, ये चीज़ आप लोग अवश्य ध्यान रखेंगे। बात करके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, प्रश्न 5 कहता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियाँ होती हैं और एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा परिस्थिति पुंज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां होती हैं, तो 6 का सही जवाब भौतिक स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं, तो एक आप कह सकते हो शारीरिक जो है निकटता, दूसरा आप लघुता का नाम देंगे, तीसरा आप जो है सहनशीलता का नाम देंगे, बल्कि जो आकर्षण शब्द है इसको आप हटा देंगे, ये प्राथमिक समूह की भौतिक स्थिति नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, ये चार ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का, बेसिकली इसका जो सही जवाब होगा स्काउट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन से किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषता हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आपको हम बताएं, जो मूल विशेषता होगी वह एक संगठन होगा, दूसरा वे वी फीलिंग यानी हम भावना होगी, बाकी यहाँ पर आप थर्ड को एलिमेंट कर सकते हो, फोर्थ को भी एलिमेंट कर सकते हो, आप देख सकते हो पहला और दूसरा जिस ऑप्शन में होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पर हम लोग विचार करेंगे, नीचे दिए गए कथन है क्वेश्चन नंबर 9 में, हम बात कर रहे हैं इस समय MPPSC की क्लास को लेकर कुछ प्रश्नों पर बातचीत। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अभिकथन की दुर्खिम के अनुसार शिक्षा समाज में उसके सदस्यों के बीच एक रूपता को सतत एवं प्रतिबलित करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। विचारधारा व्यक्ति और समाज के बीच संपर्क स्थापित करते हुए समाज के मानदंड और मूल्यों को स्थापित भी करती, ये भी बात दुर्खिम की ही है, परंतु ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या भी सही तरीके से हो रही है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो पहला है वो करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर किताब दिए गए हैं यानी पुस्तक, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उन लेखक के नाम दिए गए हैं, यानी अब आपको क्या करना है, मैच करना है किताब के साथ विद्वान के नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दी स्कूलिंग सोसाइटी किताब है वो इवान इलीच का है, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली की बात करेंगे तो ये RD लैग की है, और जब हम एंटी सोशल फैमिली की बात करेंगे तो ये बेसिकली
एम बर्नेट और मैक स्टोस का है। स्कूलिंग एंड कैपिलिस्ट अमेरिका की बात करेंगे तो ये नाम आपका आएगा एस बॉल्स एंड एच गिटिंस का नाम आएगा। तो पहले का तीसरा है और पहले का तीसरा अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी में ही मिला हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये सारे के सारे MPPSC में। अगर हम बात करते हैं, एक तरफ देख सकते हैं शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किया गया है। तो शब्द पे अगर हम बात करते हैं, एक शब्द है चर्च, तो उसकी विशेषता क्या हो सकती है? तो उसकी विशेषता जो होगी वह अगर हम बात करें चर्च की, तो प्रायः राज्य के निकट संबंध रखता है और धार्मिक सच्चाई पर तत्काल दावा भी करता है। यानी थर्ड का अगर हम बात करेंगे, ए का जो तीसरा है वह आपको रिलेट करा देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए का तीसरा में अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पथ का, तो पथ किसको रिलेट कराएगा? आप देख सकते हैं कम रूढ़िवादी होता है और निम्न वर्ग को संबद्ध रहता है, तो यानी बी का फोर आप रिलेट करा सकते हैं। देख सकते हैं बी का फोर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मैच, जैसे ही ऑप्शन आपका मैच हो जाता है तो आप तुरंत सारा चीज़ें मैच करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि, क्वेश्चन नंबर 12, बेसिकली ये मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य होता है जो शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना की धारणा को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है कि सरकारी नीति पर उन सब का कुछ प्रभाव होता है जो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम सुस्पष्टता से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा वो बहुलतावादी लोकतंत्र होता है जो बेसिकली यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न समूह के बीच में संतुलन को बनाए रखे और सरकारी नीति है उन पर कुछ प्रभाव डाल सके। तो ये एक प्रकार का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल पे बातचीत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हमारे सामने है 14 नंबर का सवाल है, लेखक और शब्दावलियों को रिलेट करा दिया है 14 में, और बहुत ही अच्छा सवाल है। वी पैरेटो की बात करेंगे तो गैरशासी विशिष्ट वर्ग रिलेट करता है, और जी मोश्का शब्द को अगर मैं रिलेट कराऊंगा तो ये शासी वर्ग को रिलेट करते हैं, और मिसल्स की अगर हम बात करते हैं, आर मिशेल की बात करते हैं तो अल्पतंत्र और लोह मिलनियम की बात करता है, एस ल्यूकस की बात करते हैं तो त्रिआयामी, अभी मैंने हाल ही में कल आप लोगों को बताया भी था कि बहुआयामी कह सकते भी हो, त्रिआयामी दृष्टिकोण भी बोल सकते हो, दो दिन की पहली क्लास में मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब यहाँ पर अगर मैच किया है तो ऑप्शन नंबर बी सही तरीके से मैच किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, सामाजिक संस्था का समुचित जो है समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक संस्था का क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बाजार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, डोरेन डार्फ के अकॉर्डिंग मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को इन्होंने किस तरीके से संबोधित किया? क्वेश्चन नंबर 16 में दर्शाया गया है, और बेसिकली प्रसंगानुसार अस्वीकार, स्वीकार और संशोधित किया गया, जो ऑप्शन नंबर आपका डी रिलेट करता है, डोरेन डार्फ के अकॉर्डिंग मार्क्स के वर्ग का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिससे उसका जन्म हुआ हो? क्वेश्चन नंबर 17, बेसिकली इसका सही जवाब समाजीकरण की ही ये डेफिनेशन लिख दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो समाजीकरण से संबंधित हो उसकी प्रस्थाना जो है प्रस्थापना निम्नलिखित द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा जीन पियाजे, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अभी मैंने हाल ही में कल या परसों में आप लोगों से जिक्र भी किया है, चार अवस्थाओं के बारे में पूरी डीप में जानकारी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सूची एक और सूची टू से आपको मैच करना है, इस्माइल दुर्खिम का नाम आप लोग भलीभांति तरीके से रूबरू हैं, उनको जानते हैं, उनकी किताबों से भी आप रूबरू हैं, द डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी, अभी अभी मैंने आपको बात भी किया था कि 1912 में इन्होंने, सॉरी तो धार्मिक वाली है 1912 में,
तो मैंने द डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी की बात किया है और इनकी जो भी विभिन्न प्रकार की किताबें हैं उस पर मैंने बातचीत आप लोगों से कर रखा है, तो इसका सही मैच हो जाएगा थर्ड वाले से। एम मैक्स बेबर की बात कर रहे हैं, यानी बेबर बी को, तो ये बेसिकली जो रिलेट कराते हैं वो भी आपका द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए और ये आपका करेक्ट है। फिर उसके बाद जे बाउमैन की बात करें तो यह लिक्विड लव, द लिक्विड लव, टी पर्सन्स, द सोसाइटी सिस्टम, यानी सोशल सिस्टम, सामाजिक संरचना के बारे में इन्हीं का नाम आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मैच हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद का कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं, जैसे आपको डेफिनेशन के आधार पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, इसका टॉपिक भी आपका कवर हो चुका है। इसमें बेसिकली क्या है, आरोपित, अधिग्रहित और या निर्मित हो, ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही था, और ये जो कि यही आपका ऑप्शन जो डी वाला है, ये बेसिकली सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली के कुछ पदों को आधारित होता है जो आरोपित, अधिग्रहित और निर्मित होता है। यह ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 कहा कि सामाजिक परिस्थिति के बारे में बताओ, उपरोक्त में से बताइए कौन सा कथन आपका सत्य माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को, जाति, लिंग, नृजाति, समूह जो होता है सांस्कृतिक निर्धारित होता है भैया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पर बात कर लेते हैं। 22 क्या कहता है कि मार्क्स और डोरेनडॉर्फ के अकॉर्डिंग एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है। सही जवाब इसका होगा क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक संसाधन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ये सभी प्रश्न जो हैं आप लोगों को बता दूं कि यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अगर हम बात करें मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समाज कार्य जो है समाजशास्त्र को रिलेट कराता है, तो मेडिकल सोशल वर्क में जब कभी भी फैक्ट आते हैं तो यहाँ से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे वो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का हो और एमपीपीएससी का, तो ये बेसिकली क्वेश्चन ही है। इन लोगों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा और कॉपी पर भी इस चीज़ों को इम्पोर्टेंट के रूप में नोट भी करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग बातचीत करेंगे, बाकी इन प्रश्नों को मैं ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को जिक्र करूंगा, ठीक है। और मैं लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 43 पेजेस हैं, यहाँ पर 43 पेजेस, यानी कहने का मतलब यहाँ पर टोटल आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, कुल टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे समाजशास्त्र के आधार पर, यानी अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी में, और इन सभी प्रश्नों पर मैं बातचीत करूंगा आप लोगों से ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। और क्लास का जो समय है एमपीपीएससी का, वो सुबह का समय रखा गया है, 6:30 AM क्लासेस है, और जो उत्तराखंड और मेडिकल सोशल वर्क महाराष्ट्र की हो या एम्स की हो, उसकी जो क्लास का समय रखा गया है वो शाम की है 8:30 PM पर। और यूजीसी नेट की तो दो क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि इनका दिसंबर में एग्ज़ाम है, मुझे सिलेबस कवर करना है, PYQ कवर करना है, मॉक टेस्ट कवर करना है, तो एक क्लास आफ्टरनून में 1 PM है और एक क्लास शाम को है 7 PM, तो दो क्लासेज, यानी कि इनकी 2 घंटे क्लास चलती है यूजीसी नेट के स्टूडेंट की, ठीक है। तो ये जो है एमपीपीएससी की है, और उसके बाद 8:30 वाली जो है मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।